हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में ये कंपटीशन में पूछते हैं, इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आज का टॉपिक जो है कवर स्लिप के बारे में है। कवर स्लिप होती क्या है? कवर स्लिप एक ग्लास का एक छोटा टुकड़ा पतला होता है, माइक्रोस्कोप की स्लाइड में स्पेसिमेन को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कवर स्लिप का मेन काम सॉलिड सैंपल को दबाए रख कर फ्लैट करने और लिक्विड सैंपल को समतल मोटाई में एक सा बनाए रखने के लिए कवर करके यूज़ किया जाता है, क्योंकि हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में जो रीजन रहता है वो सक्रिय मतलब नैरो साइज का रहता है, इसलिए ये ज़रूरी रहता है। चलिए जानते हैं कवर स्लिप थिकनेस कितनी होती है और उसका स्क्वायर कितना होता है और एक कवर स्लिप का वजन कितना होता है। ये है ब्लू स्टार की माइक्रो कवर ग्लासेस, जिसको कवर स्लिप बोलते हैं। ब्लू स्टार की है, ज़्यादातर यही लेबोरेटरी में यूज़ होती है। इसको अनबॉक्स करेंगे और इसकी एक कवर स्लिप की थिकनेस और उसका स्क्वायर और एक कवर स्लिप में कितना वजन होता है। चलिए सबसे पहले तो इसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें 20 आती हैं, 20 पूरे कवर, तभी वीडियो बनाने के लिए मैंने एक ही रखी है। यह है, इसको इस तरीके से ओपन कर लेता हूँ। अच्छे तरीके से पैक होकर आती है, आराम से खोलता हूँ। ये इसका 18 mm, इस प्लास्टिक बॉक्स की बात कर रहा हूँ। इस एक बॉक्स का वजन 10 ग्राम है ना। नंबर ऑफ इसके अंदर कवर स्लिप रखी हुई होती है, इसके अंदर ये फोम भी रहता है क्योंकि टूटे ना। काउंट करते हैं सबसे पहले, पीछे भी देखो, इस कवर के पीछे लिखा हुआ होता है सब चीज़। साइज इसका 18 mm स्क्वायर है, थिकनेस इसकी नंबर ऑफ एग्जांपल के तौर पर दी है 0.13 mm टू 0.16 mm इसकी थिकनेस रहेगी। पैकिंग का तो है ही, इसमें कभी बता भी दिया कि इसके अंदर 20 पैक आते हैं और एक जो है ये बॉक्स, इसका वजन 10 ग्राम रहता है। MRP पे चलते हैं तो MRP इसकी बता रहा है 1930 रुपये। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। समझ में तो आ ही गया होगा क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है, क्योंकि इसके बारे में पूछते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी होती है, इसका स्क्वायर कितना होता है, ये याद रखना, कंपटीशन में पूछते ज़्यादातर। सबसे पहले अनबॉक्स कर लेता हूँ इसको भी। इसके अंदर काउंट करेंगे, काउंट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, करते हैं एक एक। वैसे इसमें समथिंग 80-85 तो निकलती होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और लास्ट 82। तो इसमें गाइस टोटल लिख लिए 82 कवर स्लिप। इसका फॉर्मूला करेंगे, एक जो था बॉक्स इसमें कितना वजन था 10 ग्राम। अब इसको अपन भाग कर देंगे तो इसका एक कवर स्लिप का वजन निकल ही आएगा। तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, दिखाई दे रहा है ये जो है बॉक्स, इस बॉक्स का वजन सीधा सीधा लिख लिया है यहाँ पे। एक बॉक्स का वजन 10 ग्राम है नेट, एक बॉक्स के अंदर 82 कवर स्लिप निकलती है। 10 से भाग करेंगे जो कि एक बॉक्स में 82 कवर स्लिप निकलती है, भाग करेंगे तो एक कवर स्लिप का वजन निकल ही आएगा। इसका वजन निकला है 0.121 ग्राम। इससे ये रहता है कि जब भी कोई छोटी हो या बड़ी लेबोरेटरी काम करते हैं तो अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में पूछते हैं। तो एक कवर स्लिप का वजन 0.121 ग्राम होता है, याद रखने वाली चीज़ है।
वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि लेबोरेटरी में यूज़ होने वाली हर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। कंपटीशन में हर एक बारीक से बारीक चीज़ पूछी जाती है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। अगर इतना जानेंगे तो इससे क्या है कि जब भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो काम में आएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।